11 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल को धमकी देने वाले मामले पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। सिसोदिया ने कहा केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को धमकी दी, केजरीवाल की राजनीति पर जनता को भरोसा है। सिसोदिया ने आगे कहा बीजेपी ने साजिश रची है, मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। 11 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने संदीप भारद्वाज की आत्महत्या को लेकर कहा किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, झूठे आरोप लगाना आपकी पुरानी आदत। आप पैसे लेकर टिकट दे रही है, वो आत्महत्या नहीं हत्या है। संदीप की जगह अमीर को टिकट दिया गया। संदीप भारद्वाज आपसे टिकट के दावेदार थे, संदीप भारद्वाज का टिकट आपने बेचा, संदीप की मौत के जिम्मेदार केजरीवाल हैं। और तीसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, आप नेता संदीप भारद्वाज ने खुदकुशी की। भारद्वाज ने राजौरी गार्डन में अपने घर में फांसी के फंदे से उनका शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक संदीप दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए टिकट मांग रहा था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज, थोड़ी देर में लचित बरफुकान जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विज्ञान भवन में बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गुमनाम नायकों को उचित सम्मान देने की बात कहते रहे हैं। आपको बता दें कि लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के शाही सेना के सेनापति थे जिन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया था। और पांचवी बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जारी करेंगे। बीजेपी एमसीडी चुनाव के लिए वचन पत्र पहले ही जारी कर चुकी है जिसमें दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना प्राथमिकता में रखा गया है। बीजेपी ने हर झुग्गी वालों को घर देने का वादा भी किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में अब महज 10 दिन बाकी रह गए हैं। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट ने 3 नए कमिश्नरेट पर मुहर लगाई। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में नए कमिश्नरेट पर मुहर लग गई है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी 75 जिलों में 83 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान कांग्रेस का गृह युद्ध एक बार फिर खुलकर सामने आया है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा, कहा एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जिस पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस तरह के अनुभवी व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे संस्कार मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व अहम फैसला कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट को लेकर जोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज मीटिंग करेंगी। इस बैठक में बजट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और उन पर सुझाव भी लिया जाएगा। ये बैठक सुबह 11 बजे से विज्ञान भवन में होगी। गुजरात में चुनावी प्रचार में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। हालांकि एनएसजी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त अहमदाबाद में पीएम की रैली चल रही थी उसी वक्त एक प्राइवेट ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। ड्रोन को एनएसजी ने मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन में पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन कल पूरा नहीं हो पाया। आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि अगर आफ्ताब की तबीयत ठीक रही तो उसे आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को किए जाने की संभावना है। 11 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भीषण आग लगी। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। रास्ते संकरे होने से आग पर काबू पाने में परेशानी हो रही है। अब तक 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ है। चांदनी चौक से बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और फायर ब्रिगेड की टीम को जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के निर्देश दिए।